ए सुनिए, आप लोगों को रिवर्स बायस पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। रिवर्स बायस में लिखाई थी परिभाषा, ये 12 का मॉडर्न फिजिक्स क्लास है। जितने भी बच्चे बच्चियां लाइव क्लास देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सुन लीजिए ध्यान से, आवाज़ अब आप लोग शांत रखिए। आपको बताए हैं कि रिवर्स बायस में जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस। इसका इस प्रकार से फिगर बताए होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा। ये इस प्रकार से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये कौन सा है? एन टाइप है। पी टाइप में किसकी मात्रा अधिक होती है? होल की, ठीक है। होल का एगो इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा, इसको इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये चाबी हो गया। एन टाइप को बैटरी के किसके साथ जोड़ेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। आप समझिएगा कैसे काम करता है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इसके एक छोरों पर क्या होगा? नेगेटिव विभव जमा हो जाएगा, जो निरोधी विभव उत्पन्न करेगा। ये निरोधी विभव क्या करेगा? सभी नेगेटिव चार्ज पी टाइप का जो होल है इसको आकर्षित करके बैटरी के कहाँ पहुंचा देगा? नेगेटिव टर्मिनल में। आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब जोड़ेंगे, ये जो पॉजिटिव है यहाँ, ये यहाँ पर आके क्या जमा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेगा? आकर्षण कर लेगा। तो एन टाइप का सभी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जमा हो जाएगा। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड का ये जो बैरियर है, जंक्शन है, इसको बोलते हैं जंक्शन। इस जंक्शन को पार नहीं कर पाएगा। मतलब हो गया पी टाइप का होल एन टाइप क्षेत्र में, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता। यही कारण है कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। याद रहा? किस बायस में करंट फ्लो होगा? फॉरवर्ड की रिवर्स? फॉरवर्ड बायस में। याद रहेगा ना? किस बायस में करंट फ्लो होगा? फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर हो गया? दिमाग में सेट हो गया ना? इसका तुरंत अभी प्रयोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन में, इसको याद रखना है। लिखिए, फिगर बना लिए हैं। देखिए, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, अरे यार लिखना, फिगर के शुरू करो ना, लिखा क्या दिया है तुम? फिगर, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के या ऐसा कीजिएगा, अच्छा लिखिए, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव ना होगा रे, बैटरी के नेगेटिव ना, पी टाइप बैटरी के नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है संयोजित किया जाता है अर्थात अर्थात जब पीएन जंक्शन डायोड को अर्थात जब पीएन जंक्शन डायोड को इसमें लिख दें क्या पीएन जंक्शन डायोड अर्थात जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के साथ रिवर्स बायस में इसमें लिख दे रिवर्स बायस का आर ई वी ई आर एस ई बी आई ए एस बैटरी को रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है तो डायोड के एक सिरों पर भी वोल्ट विभवांतर आरोपित होता है जो निरोधी विभव विरोधी ने लिखेगा निरोधी ड्रॉपिंग पोटेंशियल जो निरोधी विभव में वृद्धि करता है इस प्रकार जंक्शन प्रतिरोध में इस प्रकार जंक्शन प्रतिरोध में वृद्धि हो जाता है जिसके कारण पी टाइप क्षेत्र का होल होल का स्पेलिंग क्या लिखा एच ओली होल पी टाइप क्षेत्र का होल कॉमा एन टाइप क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है
पी टाइप क्षेत्र में उपस्थित होल पर, अर्थात पी टाइप क्षेत्र में उपस्थित होल पर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल को आकर्षित कर लेता है। एवं एन टाइप क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाता है। और तीन चार लाइन है। परिणाम स्वरूप सिर्फ जो फिगर में समझाए हैं उसी का वर्णन है। फिगर बढ़िया समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। परिणाम स्वरूप पी टाइप क्षेत्र का होल एन टाइप क्षेत्र में, होल के बाद कोमा दीजिएगा, पी टाइप क्षेत्र का होल कोमा एन टाइप क्षेत्र में एवं एन टाइप क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है, अर्थात पी टाइप क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन सॉरी अर्थात पी टाइप क्षेत्र का होल एवं एन टाइप क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है।
जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाहित नहीं होता है, जिसके कारण सर्किट में सर्किट स्पेलिंग CIRCUIT, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, परिपथ, जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है। यही कारण है कि रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है। यही कारण है कि रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है को बच्चे चलिए देख बेटा फिर सुन लो, आज का एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, वो टॉपिक अरे जो पढ़ाए अभी ये भी टॉपिक वही एग्जाम में लिख पाइएगा, जो सीखिएगा समझिएगा। ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है एक दो बार। मॉडर्न फिजिक्स कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप खाली फिगर समझ लीजिएगा, आप अपने से बना के लिख दीजिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, अन्यथा बेटा रट के लिखना बहुत मुश्किल होता है। खाली हम जो बोलेंगे, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी है हो रहा है, हम जो बोलेंगे आप क्या कीजिएगा, खाली उसको ध्यान से दो तीन बार वीडियो सुनिएगा, फिगर का खाली एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम जो लिखाएंगे आप अपने से भी लिख सकते हैं अगर फिगर समझ लीजिएगा, लेकिन याद रखना है कि फिगर में सेंस सही होना चाहिए, आपका लिखने का सेंस। अभी ने उल्टा पुल्टा लिख दिए, लिख कुछ रहे हैं अब फिगर कुछ कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसमें दो को बेहतर कोई को पूछा ही जाता है, रेक्टिफायर इसको MI कर दीजिएगा, ये को दोनों मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिष्टकारी क्वेश्चन लिखिएगा, रेक्टिफायर क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। रेक्टिफायर क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। रेक्टिफायर क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें। रेक्टिफायर का हिंदी हो गया दिष्टकारी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, आप देखिएगा शादी विवाह में वो जो डेकोरेशन लगता है, जो न जलता बुझता है, भुकुकिया शुद्ध देसी बोली हो गया, ये क्यों जलता है, क्यों उस प्रकार का जला बुझा। बैटरी हमेशा पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करती है, वो कैसे बैटरी में, एसी में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, वो किस प्रकार से उसको बैटरी को चार्ज करता है,
इन्वर्टर के द्वारा जो बैटरी चार्ज होता है किस प्रकार से काम करता है, दो तीन बातें ऐसी हैं जो आपको बेहतरीन वे में बेहतरीन तरीके से समझना है। हम एक एक करके समझाएंगे। आप लोग थोड़ा सा अगर एक्टिव बच्चे रहते, तेज तरार बच्चे रहते, या पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से 100% वफादार रहते, जैसे आज हम बोले थे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे, जो तेज बच्चा होगा वो एक दिन जो पिछला संडे को पढ़ाए थे, या तो वो कॉपी पढ़ के आया होगा या वो वीडियो देख के आया होगा, जो तेज बच्चे। एक ही बात है बेटा, कॉपी पढ़े वीडियो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में क्या होगा, आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो में क्या होगा, बस खाली आंख बंद के सुनते। बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो पढ़कर याद नहीं होता, सुनकर याद होता है। तो बाकी वो आप डिपेंड डिसाइड कर लो, यू हैव टू डिसाइड योर वे। अब सुन, रेक्टिफायर होता क्या है, सुने परिभाषा। वह डिवाइस जो एसी को, वह डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, रेक्टिफायर कहलाता है। समझ में लाओ, वह डिवाइस जो एसी को किसमें बदल दिया, क्या कहलाता है, कोई दिक्कत किसी को। रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट मर हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकेंड नंबर हो गया बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। इसका हिंदी हो जाएगा बेटा अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसका हिंदी हो गया बेटा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले हाफ वेव के बारे में पढ़ेंगे, अब विस्तार से बेटा, तनी मनी नहीं है, एक डेढ़ दो पेज का हो जाएगा ये। जो भी जान है सिर्फ फिगर में है, आप हम फिगर बनाएंगे, आप फिगर समझिएगा, हम फिगर को दो तीन बार समझाएंगे, और तब तक समझाएंगे जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाए, और हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि दिमाग में सेट होना है, ठीक है। तो लिखना शुरू कीजिएगा रेक्टिफायर का परिभाषा, लिखिए वर्ड डिवाइस, लिखा चिंता नहीं कर, लिखा वर्ड डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, वह डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है कॉमा रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफायर कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है। रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, दोनों उतार लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ए
हिंदी हो जाएगा हाफ वेव का अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, दो दो अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसका लिखेगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। सुनिएगा, पहला नंबर हाफ वेव रेक्टिफायर लिखेडाइज दीजिएगा। पहला नंबर हाफ वेव रेक्टिफायर लिखेडाइज देना है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर लिखेडाइज दीजिएगा। सुनिए परिभाषा, वह डिवाइस जो एसी के आधे चक्र को डीसी में परिवर्तित करता है हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। याद हुआ, वह डिवाइस जो एसी के आधे चक्र को किसमें बदल देगा, क्या कहलाएगा? अब देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, दसवा में भी, इसमें भी पढ़ाएंगे एसी चैप्टर में, एसी का इस प्रकार से होता है। एसी होता है ना, पहले शुरुआत होता है पॉजिटिव, उसके बाद क्या होता है, तब पहले क्या करेगा वो, उधर खिसकी खिसकी उधर, और खिसक उधर, अजय देवगन यहाँ आओ, एक तो यहाँ आओ, कोमल किसको बैग हटो, बैग हटो, किसका बैग है, किसको आया, चलिए सुनो, सुनिए। तब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी का आधा चक्र खाली पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव को छोड़ देता है। ये इसी प्रकार से चलता है ना, इसी प्रकार से ना चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव छोड़ देगा, फिर जैसे पॉजिटिव आएगा एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव छोड़ देगा। कैसे काम करता है उसको समझिएगा। दूसरा नंबर, एक मिनट और देखिए ध्यान से, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल आपको बताए होंगे इस प्रकार से, देख लीजिए कॉपी में, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल नहीं बताए हैं, ओ अच्छा ये बताएं इसको, अच्छा सुनिए, दो गो सिंबल बताए हैं, दो सिंबल है ना, उसके नीचे तीसरा, इसको भी हल्का सा छोटा सा बना लीजिए जहां पर जगह है। पीएन जंक्शन डायोड में बताएंगे इस प्रकार का सिंबल बताए हैं, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ऐसे इसके नीचे छोटा सा बना, छोटा सा बना, छोटा सा हेती को बना ले, हेती को, हेती को, हेती को बना ले, हाँ ये डायोड का सिंबल है, कहीं बना लो वहां पे जहां जगह मिले, एक के दोनों एक ही चीज है। पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल ये बना लीजिए, डायोड, हाँ वही बना लो, बहुत जगह है, और करके, और करके बना लो, यहाँ और लिखो रे, हाँ बना लो बगल में इसी में, हाँ सुनिए, सुनो ये समझो, ये डायोड के सिंबल में इधर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, इधर वाला पार्ट क्या होता है, कैसे समझेंगे पॉजिटिव नेगेटिव होता है,
इधर देखिए बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, निगेटिव घट रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, समझ में आ गया। आप देखिएगा फिगर बना रहे हैं, आप देखना है, समझिएगा। पहले हम दो तीन बार फिगर बना के समझाएंगे, तीन चार बार हम रिपीट करेंगे, खाली ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, इनपुट एसी सोर्स को इसमें जोड़ा जाता है। ये क्या है बेटा, इनपुट एसी सोर्स, इनपुट आउटपुट आप लोग समझते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? देखिए ए थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिए ना, बातचीत कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। इनपुट एसी सोर्स को प्राइमरी कॉइल के साथ, किसके साथ जोड़ दिए, प्राइमरी कॉइल के साथ, कोई दिक्कत? प्राइमरी कॉइल को शॉर्ट में पी लिख दिए। इसके बगल में एक दूसरा कॉइल रखा गया है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो दोनों कॉइल में देखिए लपेटनों की संख्या अलग अलग है ना, बराबर नहीं देना है। आप अगर चाहें जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे उसमें समझा देंगे बढ़िया से, आप अगर चाहें तो इसमें लपेटों की संख्या बढ़ा इसमें घटा सकते हैं, या इसमें बढ़ा इसमें घटा सकते हैं। तो आप स्टेबलाइजर घर में देखे हैं, स्टेबलाइजर उसमें देखिएगा अप और डाउन लिखा होगा, लिखा रहता है ना, तो अप डाउन इसी से बनता है, ठीक है, वो समझाएंगे थोड़ा सा आगे जब बताएंगे। तो इसके साथ बेटा यहाँ पर एक डायोड जोड़ा रहता है, डायोड जिसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। इसके साथ यहाँ पर लोड रेसिस्टेंस जोड़ा रहता है, इसको लोड रेसिस्टेंस आर एल, और इसके साथ जो है यहां पर डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट कनेक्ट रहता है। एक मिनट समझिएगा, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है, और ये जो है बेटा, ये जो है ये जा रीसेट हो गया, रीसेट हो गया, अच्छा आपको पता दिख जाएगा फिगर। ये जो है ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर, और ये जो है बेटा ये जो है डायोड है, ठीक है, करे ये सेकेंड, ये प्राइमरी कॉइल है पी, ये सेकेंडरी कॉइल है एस, ये कौन सा कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, ये कौन सा कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। एक मिनट सुनेगा ध्यान से, नहीं नहीं रुकिए ना, रुकिए उतारना था, एक मिनट पहले समझिए ना, उतारने के लिए और बुलाइए मत, उतारने के लिए आपके पास बहुत समय है, समझने के लिए समय नहीं है, बस में है समझने का कोशिश करना है। ये कैसे काम करता है, इसको पहले कैसे कैसे बनावट हुआ उसको बता दे रहे फिर से। अब इनपुट एसी सोर्स क्या होता है, आप अपने घरों में स्टेबलाइजर वगैरह सब देखे होंगे, या इन्वर्टर आपके घरों में होगा। तो इनपुट एसी सोर्स का मतलब हो गया कि जो उसका मेन प्लग है, इसका इन्वर्टर का देखिए मेन प्लग एसी में लगा दिए, और उसके बाद जो है इन्वर्टर के पीछे देखिएगा स्पेस रहता है प्लग लगाने के लिए। या इसको ऐसे समझिए आप, इनपुट एसी सोर्स का मतलब कि आपने प्लग लगाया, आयरन हीट होने लगा, आपने प्लग लगाया बल्ब जल गया, तो इनपुट हो गया जो प्लग लगा रहे हो, ये हो गया बेटा कि इनपुट,
ये आपने एसी में कनेक्शन कर दिया, तार जोड़ दिया। जैसे ही तार जोड़ते हो, ये सेकेंडरी कॉइल से होते होते यहाँ पे डीसी आउटपुट है, इसमें फिर यहाँ पर, यहाँ से आउटपुट मतलब यहाँ पर प्लग लगा के आप अपने घर में बल्ब जला सकते हैं। इन्वर्टर कभी अगर घर में होगा, ध्यान से देखिएगा, उसके पीछे कनेक्शन रहता है, उसी से लगा के फिर आपके घर में करंट चलता है। अब सुनिए, पहले कनेक्शन बताने, कैसे इसको कनेक्ट किए। इनपुट एसी सोर्स को ट्रांसफार्मर के किसके साथ, पी बोले तो कस के बोलो रे, प्राइमरी कॉइल, याद हुआ। पी क्या है, एस क्या है, सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर के, सॉरी, इनपुट एसी सोर्स को ट्रांसफार्मर के किसके साथ जोड़े, सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या जोड़े, आ डायोड। और लोड रेसिस्टेंस के तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, आ डीसी आउटपुट। अब कैसे काम करता है ये सीखिएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे काम करता है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का परिभाषा याद है। फॉरवर्ड बायस में पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के किसके साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव टर्मिनल, आ और रिवर्स बायस में उल्टा, ठीक है ना। तो करंट किस में फ्लो होता है, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में, आ वही चीज यहां समझना है। अगर मान लीजिए इनकेस आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो एक बार घर में जाके फिर से फॉरवर्ड और रिवर्स का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। फिर सुन लो, अब कैसे काम करता है। इनपुट एसी सोर्स में तो दो चीज है, क्या क्या है, पॉजिटिव और, तब पहले क्या फ्लो होगा, आ पॉजिटिव। इसमें बेटा एक नया टर्म है, आपको जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे, इंडक्शन दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ एक म्यूचुअल। इसको म्यूचुअल नहीं पढ़िएगा, हाँ यानी कि म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण, देखिए अब पहले म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक दुमट समझा दे रहे हैं आप। इसका हिंदी देखिए क्या लिखा है, अन्योन मतलब क्या, अन्य और अन्य, यानी कि अन्य के द्वारा। जैसे इसमें कुछ बच्चा होगा घर से आया होगा और लॉज में पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, वो गया सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण, अपने से प्रेरित होकर पढ़ना शुरू किया। कुछ बच्चा ऐसा होता है, देखा बगल रे बाप मेरा रूममेट बात तो पूरा पढ़ रहा है जी, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, बर्बादी हो जाएंगे, उसको देख के उससे प्रेरित हुआ और वो पढ़ना स्टार्ट किया, बस में हो गया अन्योन्य प्रेरण। यानी कि अन्योन्य प्रेरण का मतलब हो गया कि दूसरों से प्रेरित होकर पढ़ना, उसको कोई बोला नहीं, उसको कोई बोला पढ़ने के लिए क्या, लेकिन दूसरों को देखा, पार्टनर को देखा, रूममेट को देखा, अरे बाप ये तो बहुत मेहनत कर रहा है तो हम भी मेहनत करेंगे, तो अपने आप मेहनत करना शुरू कर दिया। तो अन्य के द्वारा प्रेरित होना, कोई कोई यूट्यूब पर देखता है, ओ आईएएस कंप्लीट कैसे किया, उसके मन में जगता है कि हम भी कंप्लीट करेंगे, तो उसके द्वारा प्रेरित हुआ। कोई कोई देखता है वो बीपीएससी के लोग कैसे कंप्लीट किए, तो जब यूट्यूब पर देखता है तो उसके अंदर लगता है जब वो कंप्लीट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तब वो क्या क्या, वो भी मेहनत करना शुरू कर देता है, तो वो दूसरों से प्रेरित होकर मेहनत करना शुरू कर दिया। बस में आ गया, अन्योन मतलब क्या, अन्य के द्वारा प्रेरण, अन्य के द्वारा प्रेरित होना, समझ में आ गया। इंग्लिश हो गया क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल, म्यूचुअल नहीं बोलिएगा। सुनिए आप, सुनिए क्या होता है फंक्शन, म्यूचुअल समझ में आ गया ना, कि दूसरों के द्वारा प्रेरित होना, उसको कोई बोला नहीं बल्कि क्या हो गया, उसको अपने आप प्रेरणा मिला उससे, अपने आप, उसको कोई बोला नहीं। और सेल्फ में क्या होता है, वो तो खुद ब खुद पढ़ रहा है, उसको तो किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये म्यूचुअल में क्या हो गया कि दूसरों को देखकर ही पढ़ना शुरू किया, दूसरों से प्रेरित होकर पढ़ना शुरू किया। अब सुनिएगा,
इनपुट एसी सोर्स में पहले क्या फ्लो रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पहले पॉजिटिव, अब क्या होगा, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी क्वाइल में प्रवाहित हुआ तो किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें अपने आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। किसमें? सेकेंडरी क्वाइल में अपने आप। कल बताए थे, पढ़ाए थे, फराडे हेनरी का एक्सपेरिमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ाए थे ना, बस वही उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। प्राइमरी में किस में हम लोग करेंट किस में प्रवाहित किए थे? कल भी उसी में था, आप ध्यान दीजिए। और सेकेंडरी में गैल्वेनोमीटर था ना। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि वहाँ पर हम लोग गति लाए थे, यहाँ पर क्या कि ऑलरेडी एसी करंट दे रहा है इसको, तो गति की आवश्यकता नहीं होगी। ऑटोमेटिक जब करंट फ्लो हो रहा है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बने हुए करेगा। पढ़े हो ना नहीं पढ़े हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़े हो ना, कि जब किसी करंट चालक में कंडक्टर प्रवाहित की जाती है तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है रे? इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? ओरेस्टेड ने। सब भूल गए, चलिए ठीक, वेरी गुड, ऐसे भुला कीजिए। अच्छा कहता याद रखिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। मोबाइल का लेकिन नहीं भूलेगा। आज कौन सा सीरियल होगा लड़के सब? अब इस सीरियल में अब देखा हो तो नहीं, एकदम इमोशन उसको याद रहता है। दस को कहानी, किसी फिल्म का कहानी पूछ दो याद है क्या? सोच कुछ दिक्कत हो रहा क्या? ऑन कर दो पंखा, 5 मिनट चला अंदर ही। अरे सबका बात रहना चाहिए, सबका बात रहना चाहिए। सुनिए, सुनो, आप सुनो, ये फिर बता रहे हैं। जब इनपुट एसी सोर्स का पॉजिटिव हाफ साइकिल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी क्वाइल में प्रवाहित होता है तो किसके कारण? तो किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी क्वाइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा इस प्रकार से होती है, इसका ऊपरी हिस्सा क्या बन जाता है, निचला हिस्सा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखें, ये भी पॉजिटिव, ये डायोड का कौन सा भाग है, पॉजिटिव की नेगेटिव है? यह निगेटिव है, ये डायोड का कौन सा भाग है, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में है? रिवर्स में है, फॉरवर्ड में, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव दूर भगाएगा, इसलिए पी का एन में, एन का पी में प्रवेश कर जाता है। समझ में आया? तो ये किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। कोई दिक्कत किसी को? फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या फ्लो होगा, एसी का निगेटिव हाफ साइकिल। पहले क्या फ्लो हुआ, पहले पॉजिटिव, फिर बाद में क्या हुआ, जैसे ही निगेटिव फ्लो होगा तो फिर से इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसका दिशा इस प्रकार से होगा, ऊपरी हिस्सा क्या बन जाएगा, निचला हिस्सा क्या बन जाएगा? अब ये निगेटिव या पॉजिटिव किस में है, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में? रिवर्स में करंट फ्लो होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव जैसे फ्लो हुआ बल्ब जल गया, फॉरवर्ड बायस में आ गया। जैसे निगेटिव फ्लो हुआ रिवर्स बायस में हो गया, करंट फ्लो नहीं होगा। फिर पॉजिटिव आएगा, फॉरवर्ड बायस हो गया, जल गया। फिर रिवर्स आया, करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं जला। समझ में आया? यही काम चलते रहता है, एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स। फॉरवर्ड आया जल गया, रिवर्स आया बुझ गया, वही जो बल्ब भूखू किया था जलता है। समझ में आया? एक बार फिर से बता रहे हैं बेटा, एक बार फिर से सुन, इस बार फाइनल बता रहे हैं, इसके बाद नहीं समझाएंगे, सिर्फ लिखा देंगे।
पहले कंस्ट्रक्शन बनावट कैसे किए? ए भाई पंचर मत हुई है। देखिए कंस्ट्रक्शन, इनपुट एसी सोर्स को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ एवं ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के साथ डायोड को कनेक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? लोड रेसिस्टेंस से डीसी आउटपुट प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया? अब फंक्शन काम कैसे करता है? इनपुट एसी सोर्स का पहले क्या फ्लो होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जब इनपुट एसी सोर्स का पॉजिटिव हाफ साइकिल ट्रांसफार्मर के किस में, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? प्राइमरी में प्रवाहित होता है तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रो प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा इस प्रकार से होती है। सेकेंडरी कॉइल का ऊपरी हिस्सा क्या बन जाएगा? निचला हिस्सा क्या है? ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव होने से डायोड किस में आ गया? फॉरवर्ड की रिवर्स में। क्योंकि यह पॉजिटिव तो यह भी पॉजिटिव है ना, है और ये नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड में आएगा तो करंट क्या हो गया? फ्लो हो गया। आधा काम समझ में आ गया? अब पॉजिटिव, अब क्या प्रवाहित होगा? रे ये हुआ, अब क्या होगा? ए यहां देखो, जैसे एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल प्रवाहित होगा तब प्राइमरी कॉइल में फिर से सेकेंडरी कॉइल में क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। एवं इसकी दिशा इस प्रकार से होगी कि ऊपरी हिस्सा क्या बन जाएगा? ओहो, ऊपरी हिस्सा क्या बन जाएगा? निचला हिस्सा क्या बन गया? ऊपरी हिस्सा नेगेटिव और निचला हिस्सा पॉजिटिव बनने से किस में आ गया? फॉरवर्ड के रिवर्स में। रिवर्स में करंट फ्लो होता है ना? नहीं होता है, याद हो गया सबको? यही कारण है कि एक बार जैसे प्लस गया फॉरवर्ड में। ए बाबू अनिश क्या हुआ है? जैसे ही करंट फ्लो हुआ किस में, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में? फॉरवर्ड में बल्ब जल गया। फिर उसके बाद किस में आएगा? फॉरवर्ड के रिवर्स में। रिवर्स किस में जाता है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। पॉजिटिव में किस में फ्लो हो रहा है? फॉरवर्ड वाइस में। याद हुआ सबको? और समझा दे एक बार। अब वीडियो देख लिया उतार। डिफिनेशन नहीं लिखाए हैं, लिखिए वह रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का परिभाषा लिखो। वह रेक्टिफायर गल्लो लेकिन दुखवा दिए तो एकदम गर्जी गर्जी चिचियाई से समझाने पड़ेगी, लेकिन एक बार समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो वीडियो देखिएगा घर में एक दो बार, दिमाग में सेट हो जाएगा। वह रेक्टिफायर जो एसी के आधे चक्र को, वह रेक्टिफायर, ए बाबू डिवाइस काट बेटा, कहता कंजूसी ठीक ना जो आलसी। वह रेक्टिफायर जो एसी के आधे चक्र को डीसी में परिवर्तित करता है, डीसी में परिवर्तित करता है, कोमा हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। डीसी में परिवर्तित करता है, कोमा हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, लाइन चेंज करके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग।
लाइन चेंज करके लिखना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बनावट और कार्यविधि लिख दें क्या? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बनावट और कार्यविधि। जल्दी से, आपको 5 मिनट हम समय दिए फिगर बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख लीजिए पहले, 5 मिनट का समय दिए फिगर बनाने के लिए। रुको रुको, अरे भाई रुको ना, बर्दाश्त कर ना, छटपटाओ ना। बच्ची बोली कंस्ट्रक्शन लिख रही है वर्किंग, रुकिए ना भाई, ऊपर नहीं करेंगे तो फिगर कैसे आप आधे बनाइएगा। अब देखिए अपने ऑटोमेटिक स्लाइड हो गया। चलिए फटाफट जल्दी से, ये जो है बेटा इसके बीच में जिसको दिखाइएगा खाली इसको टच कहीं नहीं कराइएगा। चलिए जल्दी बातचीत कीजिएगा, पिछड़ जाइएगा, हम लिखाना शुरू कर देंगे। आ इसको लिखा के ही छुट्टी देंगे जितना देर लग जाए। हाँ, इसलिए आप जितना स्पीड से लिखते जाइएगा उतना जल्दी फ्री हो जाइएगा। लगभग एक पेज भाषा लिखाना है, लिखाना है कुछ नया, थोड़ी जो समझाए वही लिखाएंगे। इतना समझाएं गला दुखा दिए तो फिर नहीं लिखाएंगे, तो समझाने से फायदा क्या हुआ? बोलिए मते, जिसका लिखा हो जाए वो शांति से बैठे रहिए। मैंने शांति के साथ नहीं बोला, शांति से बोला है, थोड़ा सा हिंदी सुधारिए, ठीक है? अभी शांति को खोजना शुरू मत कीजिएगा, मैंने शांति से बोला है, अपना हिंदी स्ट्रांग करो। हिंदुस्तान में रह के हिंदी कमजोर, मतलब बहुत बड़ी बेइज्जती। इंग्लिश कमजोर होगा चलेगा। इसमें करंट की दिशा दिखा दीजिएगा। इसको सुनिए, ये पहले ये जो है ना ऊपर पॉजिटिव होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा ना, इसमें करंट की दिशा दिखा दीजिएगा इस प्रकार से। ये करंट के करंट का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। एग्जाम में कोशिश कीजिएगा पेन से फिगर बनाने का। बेटा बीच में एरो का साइन है, करंट की दिशा दिखा रहा है किधर से किधर फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा फ्लो होता है करंट, याद रखना है। ए
हो गया। ओहो, चलिए देखिए इसमें पी क्या है बेटा? प्राइमरी कॉइल। एस क्या है बेटा? सेकेंडरी कॉइल। आर एल क्या है बेटा? लोड रेसिस्टेंस। वाह बेटा, जियो मेरे मिट्टी के शेर, अब बरसात में हो जाओ ढेर। चलिए सुनिए, परेशान मत होइए, बार बार बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, चिंता मत कीजिए सब हो जाएगा। पहले बोल रहा था लेंज लॉ कहाँ लिखाए हैं, जब कल बताए तब लगा 3 दिन के बाद यह पता चल जाएगा, 3 दिन या 2 दिन में, 2 दिन यह पता चल जाएगा, 2 दिन में, 2 दिन में ही ये पता चल जाएगा आपको, सिर्फ 2 दिन, ठीक है ना? हो गया। फिगर के नीचे इसको लिखना है तीनों को। हम म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि लिखाते समय इसका प्रयोग होता, आप लोग स्पेलिंग गलती लिख दीजिएगा, इसलिए हम इसको रहने दिए हैं। चलिए फटाफट अब स्टार्ट कीजिएगा, जो पिछड़ जाइएगा वो बगल वाला के से कॉपी से दे के लिख लीजिएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा, सेंटेंस को 3 बार ही बोलेंगे। चलिए लिखिए फटाफट जल्दी से, क्या हो रही? अच्छा ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। लिखे चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार इस इनपुट एसी सोर्स को, चित्र के अनुसार इनपुट एसी सोर्स को, इनपुट एसी सोर्स को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ संयोजित किया जाता है, सेकेंडरी कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ जंक्शन डायोड को संयोजित किया जाता है, जंक्शन डायोड के साथ संयोजित किया, सेकेंडरी कॉइल के साथ जंक्शन डायोड को संयोजित किया जाता है, सेकेंडरी कॉइल के साथ जंक्शन डायोड को संयोजित किया जाता है, लोड रेसिस्टेंस से, लोड रेसिस्टेंस से
डीसी आउटपुट को प्राप्त किया जाता है लोड रेसिस्टेंस से डीसी आउटपुट को प्राप्त किया जाता है डीसी आउटपुट को प्राप्त किया जाता है। अच्छा, अब ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब काम कैसे करता है? तो पहले एसी का क्या फ्लो होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, आधा अर्ध चक्र, ठीक है, एच ए एल एफ हाफ सी वाई सी एल ई साइकिल, ठीक है ना। देखिए नहीं, पैराग्राफ चेंज करके, जब इनपुट एसी सोर्स से, पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू कीजिएगा, जब इनपुट एसी सोर्स से पॉजिटिव हाफ साइकिल एच ए एल एफ हाफ सी वाई सी एल ई साइकिल, वो जो साइकिल चलाते हैं उसका इंग्लिश में बाइसाइकिल, ठीक है, साइकिल नहीं होता है, साइकिल का मतलब था चक्र, ठीक है। क्या लिखा रहे थे, जब इनपुट एसी सोर्स से पॉजिटिव हाफ साइकिल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी क्वाइल में प्रवाहित होता है तो म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा सेकेंडरी क्वाइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा इस प्रकार होती है कि सेकेंडरी क्वाइल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव एवं निचला हिस्सा नेगेटिव हो जाता है
सुमन कुमार तुम्हें लिख पा रहा है। अरे बेटा, ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव एवं निचला हिस्सा नेगेटिव हो जाता है। फिर लिखिएगा लगातार, सेकेंडरी क्वाइल का, सेकेंडरी क्वाइल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव एवं निचला हिस्सा नेगेटिव होने के कारण सेकेंडरी क्वाइल का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव एवं निचला हिस्सा नेगेटिव होने के कारण निचला हिस्सा नेगेटिव होने के कारण पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होता है, सॉरी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस, इसमें लिख दें FORWARD, FORWARD। अब बायस का BIAS फॉरवर्ड बायस में होता है, जिससे सर्किट में करंट प्रवाहित होता है, जिससे सर्किट में करंट प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है। तो राइटिंग तो बढ़िया अच्छो कोमल, ये कुछ खाली सुधारिया है, इंग्लिश सबका ऊपरी लिखे कोशिश कर, ठीक छो हैं, सब यहाँ लिख लें पर मैं ठीक छो यहाँ कोशिश करिए, नंबर कटी सुना था। सुनिए, ये एसी में कौन सी फ्लो होता है रे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी कि अभी हम लोग जो वर्णन किए किसका किए, अब क्या फ्लो होगा, पॉजिटिव प्रवाहित होने से डायोड किस में गया, फॉरवर्ड के रिवर्स में, तो फॉरवर्ड में होने से करंट फ्लो होगा क्या, क्लियर हो गया। अब किस में, अब लिखिए लाइन चेंज करके, बस चार पांच लाइन है, चार पांच लाइन और है बोलते हैं, लेकिन सात आठ लाइन हो जाएगा, लिखिए दो तीन मिनट बोलते हैं लेकिन 10 मिनट लग जाएगा, भैंसर ने करा लिखा है रिकॉर्डिंग में तो रे नाम ले वो। हाँ, सोनाली कुमारी जिसकी नानी घर है सरदारपुर में, घर अगरपुर तरफ है, लिखिए उसी का नाक में इसे गोल गोल होता है, नाये बोलो बेटा है कृष्णा, कौन सी ट्रेन, कोई बात नहीं बेटा, ट्रेन 20% भाड़ा क्या, अरे युवा लड़का दर्पण मारी भी चलो श्री मुरारपुर, लिखिए लिखिए पुनः जब लाइन चेंज करके, लाइन चेंज गल्लो तो फंसवाए दे दम, रुकना, पुनः जब इनपुट एसी सोर्स का, पुनः जब इनपुट एसी सोर्स का निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल कॉमा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी क्वाइल में, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी क्वाइल में
प्रवाहित होता है प्रवाहित होता है तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ए बाबू ए नो नो मेरा प्रेरित स्पेलिंग गलती है, इसको देख लो मिला लो, अरे दिखा दो रे बेबी कुमारी, हाँ अब सही है। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा लगातार लिखिए, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा इस प्रकार होती है कि प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा इस प्रकार होती है कि सेकेंडरी कॉइल का ऊपरी हिस्सा क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सेकेंडरी कॉइल का ऊपरी हिस्सा नेगेटिव, सेकेंडरी कॉइल का ऊपरी हिस्सा नेगेटिव एवं निचला हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है, एवं निचला हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंडरी लगातार लिखेगा, सेकेंडरी कॉइल का ऊपरी हिस्सा नेगेटिव एवं सेकेंडरी कॉइल का ऊपरी हिस्सा नेगेटिव एवं निचला हिस्सा पॉजिटिव होने से निचला हिस्सा पॉजिटिव होने से पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होता है। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होता है, जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है अब इसका ग्राफ का नेचर देखिएगा, बस एक मिनट है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा खाली 2 मिनट का है, खाली ग्राफ का नेचर देखिएगा। देखिए ये इस प्रकार से
सुनो ये देखो, ये एसी का इस प्रकार से फ्लो होता है ना। देखिए शुरू होता है पॉजिटिव से, एंड होता है निगेटिव पे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक मिनट देखिएगा खाली, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट खाली ध्यान से देखना है इसको। खाली बस हल्का सा खाली फिगर बना लीजिए बस, और कोई माथा पेची नहीं है। ये फिगर ही सब चीज क्लियर करता है। ये ग्राफ बहुत जरूरी है, बिना इसके बेटा मुश्किल है। आप सुनिए, ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये क्या है, ये क्या, ये क्या, ये आप देखिए, जैसे पॉजिटिव फ्लो होगा तो इसमें करंट फ्लो होता है ना, नेगेटिव होगा कौन बायस में आएगा, फॉरवर्ड के रिवर्स में करंट फ्लो होगा नहीं होगा, फिर पॉजिटिव किस में आ गया, फॉरवर्ड में फ्लो हो गया, फिर नेगेटिव बल्ब बुझ गया, फिर फॉरवर्ड बल्ब जल गया, फिर निगेटिव बल्ब बुझ गया, बस में यही प्रोसेस, भूत गया नहीं बुझ गया, यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, बना लीजिए फिगर बस। इसमें यह दिखाना है कि करंट फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड में, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आ गया, ये है एसी, ये कौन सा है बेटा, एसी सोर्स, इनपुट एसी सोर्स, यह क्या है बेटा, डीसी आउटपुट। बस अरे प्रियका, ये काम तो भूलिए गए, कॉपी चेक। हाँ